प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। राजकोट में महात्मा गांधी संग्रहालय राष्ट्र को किया समर्पित। प्रधानमंत्री ने गांधी जी के स्वच्छ भारत के सपने को करने की दोहराई प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंजार में मुंद्रा एलएनजी टर्मिनल किया राष्ट्र को समर्पित। कच्छ क्षेत्र के विकास को मिला नया आयाम। देश की तरक्की के लिए ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत बनाने पर पीएम ने दिया जोर। पीएम ने आणंद में अमूल के अत्याधुनिक चॉकलेट प्लांट का भी किया शुभारंभ। कहा, अमूल है सशक्तिकरण का बेहतरीन मॉडल। भारत यात्रा पर आए उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव आज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। भारत के साथ आपसी हित के समझौतों पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। राष्ट्रपति शफकत आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 48वें संस्करण में देशवासियों के साथ साझा किए अपने विचार। कहा, 125 करोड़ भारतीयों ने मनाया पराक्रम पर्व। पीएम ने कहा, ऐसे आयोजन हमारे युवाओं को सशस्त्र बलों की गौरवपूर्ण परंपराओं का कराते हैं स्मरण। पीएम ने कहा, देश में शांति के माहौल और प्रगति में बाधा डालने वालों को हमारे सैनिक देंगे मुंह तोड़ जवाब। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगाया आरोप, कांग्रेस के शासनकाल में हुए संदिग्ध रक्षा सौदे। कहा, कांग्रेस के समय बिचौलियों का था बोलबाला। रक्षा मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापित की पारदर्शी शासन व्यवस्था। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो ग्यूटेरेस 4 दिवसीय यात्रा पर आएंगे नई दिल्ली। यात्रा के दौरान एंटोनियो ग्यूटेरेस औपचारिक रूप से नई दिल्ली में नए यूएन हाउस का करेंगे उद्घाटन। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से भी करेंगे मुलाकात। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस आज। इस मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू प्रख्यात वरिष्ठ नागरिकों और संस्थाओं को वरिष्ठ नागरिकों के लिए की गई उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वयोश्रेष्ठ सम्मान करेंगे प्रदान। झारखंड की राजधानी रांची के खेलगांव में 4 दिन के बौद्धिक महाकुंभ लोक मंथन 2018 का आयोजन। समापन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि जब तक देशवासियों में देश के प्रति अपनेपन का भाव नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं होगा। भूकंप के जबरदस्त झटकों के बाद इंडोनेशिया के पालु शहर में सुनामी ने परपाया कहर। 800 से ज्यादा की हुई मौत। 7.5 तीव्रता वाले भूकंप से कई इमारतें हुई जमींदोज। सुनामी की विनाशकारी लहरों में कई घर बहे। जापान में शक्तिशाली तूफान चामी की वजह से जनजीवन हुआ प्रभावित। तूफान की वजह से कई लोग हुए घायल। उड़ानों और ट्रेनों पर भी हुआ बुरा असर। चामी तूफान पश्चिमी शहर ओसाका से टकराया। इराक के स्वायत्त क्षेत्र कुर्दिस्तान में नई संसद के लिए हुआ मतदान। सितंबर 2017 में कराई गई राय शुमारी में बड़े पैमाने पर लोगों ने आजादी के पक्ष में डाला था वोट। बगदाद की परिसंघीय सरकार ने इसे अवैध कर दिया था घोषित। ताजा आईसीसी वनडे रैंकिंग में रोहित अब नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। पहले स्थान पर भारतीय कप्तान विराट कोहली पहले से ही काबिज हैं। शिखर धवन 5वें स्थान पर जबकि गेंदबाजी में कुलदीप यादव 3रे नंबर पर। 19 बार के विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी को एशियाई 10 रेड स्नूकर में आयरलैंड के ब्रेंडन ओडुनगोई से मिली 0-5 की हार के बाद कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। उन्होंने विश्व चैंपियन डेरन मॉर्गन को 5-1 से हराया था। तुर्की के सैमसन में आयोजित तीरंदाजी के वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने कांस्य पदक किया अपने नाम। उन्होंने ये कारनामा प्ले ऑफ मैच के बाद किया जिसमें उन्होंने लीजा उनरो को पछाड़ा। फॉर्मूला 1 रेस में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले मर्सिडीज के ड्राइवर ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन ने जीता रूस ग्रांप्री का खिताब। हैमिल्टन का ये लगातार 3रा ग्रांप्री खिताब है।